आर मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। जॉइंट पेन कंट्रोल इन विंटर, इस सर्दी के मौसम में अक्सर शरीर के किसी भी अंग में कहीं न कहीं जकड़न है, अकड़न है या दर्द, इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। और जैसे ही ये बढ़ता है, दर्द बढ़ता है, वैसे ही शरीर में कहीं न कहीं तकलीफें बढ़ने लगती है। दोस्तों, इसका मेन कारण होता है कि सर्दी के मौसम में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हम इस्तेमाल अधिक से अधिक कर लेते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाती है। और लगातार अगर ये यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो इससे हार्ट की दिक्कत भी हो सकती है, किडनी की दिक्कत भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमारे शरीर में इस समय सर्दी के मौसम में जकड़न या अकड़न या दर्द को बढ़ा देते हैं। क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है, इसके छोटे छोटे जो क्रिस्टल होते हैं वो जॉइंट के आसपास जाकर वहाँ कठोरता उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से चलने में दिक्कत होती है या असहनी पीड़ा होने लगती है, उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है। तो दोस्तों, अगर इन चीज़ों को हम पहले से कुछ अपने भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ या फूड्स के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं तो ये आराम से पूरे सर्दी में हम अच्छे से बने रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपको कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ जिनसे परहेज रखना ज़रूरी है। जैसे मीठे पेय पदार्थ, दोस्तों आप जानते हैं कि जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, जो पेय पदार्थ हो या खाने की चीज़ें, ये चीनी से बनी रहती है और चीनी में फ्रक्टोज की मात्रा बहुत होती है। ये फ्रक्टोज यूरिक एसिड को बहुत अधिक बढ़ा देता है। जब इसका इस्तेमाल हम बहुत अधिक करते हैं, जैसे हम चाय और काफ़ी का इस्तेमाल सर्दी के मौसम में बहुत अधिक करते हैं, तो ऐसे में जो फ्रक्टोज इससे उत्पन्न होते हैं और जब ये डाइजेस्ट होते हैं तो इससे यूरिक एसिड में बढ़ोतरी हो जाती है, जो इस शरीर में दर्द का कारण बन जाता है। दोस्तों, कुछ सब्जियां भी इसके लिए प्रभावशाली होती हैं। जैसे कुछ सब्जियां इस समय बहुत धड़ल्ले से लोग खा रहे हैं, हरी मटर खा रहे हैं, गोभी खा रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं और पालक, ये सब अच्छी बात है, हेल्दी है। लेकिन जिनको गाउट की समस्या है, जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, तो ऐसे में इनका इस्तेमाल आप कम से कम करें, नहीं तो इससे भी परेशानियां आपकी बढ़ती जाती हैं। दोस्तों, जो सी फूड्स है या मीट, इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में प्यूरिन की मात्रा होती है। प्यूरिन एक रासायनिक पदार्थ होता है, कई तरह के ये रासायनिक चीज़ों का ये कंपाउंड है। जब ये डाइजेस्ट होता है, जब ये पचता है, तो इसे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वही होता है यूरिक एसिड। तो अगर इसका इस्तेमाल आप अधिक करते हैं सर्दी के मौसम में, विंटर में, तो यूरिक एसिड आपके बॉडी में बढ़ जाएगा। और जब यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो गाउट की समस्या आपको होगी, उठने बैठने की या चलने की समस्या होगी। दोस्तों, इसके साथ कुछ और भी चीज़ें प्रभावित करती हैं आपके थोड़ा सा उठने बैठने रहने की, तो ये भी बहुत अधिक जो हमारी मांसपेशियां हैं उसको जकड़ लेती है। अगर यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ा है लेकिन आप बहुत देर से कहीं एक जगह बैठ गए, क्योंकि इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है और मसल्स कहीं ना कहीं कठोर हो जाती है, तो वहाँ पर आपको तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे में आप उसको थोड़ा सा वार्म वाटर से स्पंज कर लें या वहाँ पे सिकाई कर लें। आप वहाँ पर फिटकरी डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, तो मसल्स कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फिर कठोरता को कम कर देती है, वहाँ इलास्टिसिटी हो जाती है, जिससे आपका दर्द कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर आप इन परेशानियों में हैं, अगर आपको गाउट की समस्या हो रही है, शरीर में इस तरह के दर्द बढ़ रहे हैं, मसल्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शराब और बियर का इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों ये बड़ी आजकल धड़ल्ले से की जाती है। कारण ये है कि आप अक्सर पार्टियों को अटेंड करते हैं तो वहाँ
आप ले लेते हैं शराब, या तो कुछ लोग सर्दी से बचने के लिए इसको मानते हैं कि शराब लेने से सर्दी नहीं लगती, बियर पीने से सर्दी नहीं लगती, और यही जब आप प्रत्येक दिन इस्तेमाल करने लगते हैं सर्दी के मौसम में बियर या शराब, तो उसमें भी प्यूरिन की मात्रा बहुत अधिक होती है और प्रत्येक दिन किया हुआ ड्रिंक आपकी यूरिक एसिड को बॉडी में बहुत उच्च स्तर पर ला देता है, जिसकी वजह से आपको ये परेशानियां होती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बारे में समझ आ गया होगा कि हम क्या चीज़ कितने लिमिट में इस्तेमाल करें, अगर हमको ऐसी परेशानी हो रही है तो किन चीज़ों से बचें। आप बहुत ही आराम से इससे छुटकारा पा सकते हैं, आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आप हेल्दी रहिए, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।